हॉरर कॉमेडी के यूनिवर्स में जहां स्त्री 2 अच्छी अच्छी मूवियों को धूल चटाया जा रही है, वहीं एक और अपडेट यूट्यूब पर आ चुका है कि एक और हॉरर कॉमेडी मूवी का ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 का, जिसमें कार्तिक आर्यन, क्यारा एंड तब्बू सेम रोल में नजर आएंगे, जो कि 2022 में आई भूल भुलैया 2 था के ही किरदार में नजर आएंगे। और इस मूवी में एक बार फिर से आपको असली मंजुलिका नजर आएगी। बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन एक बार फिर से इस मूवी में आपको रूह बाबा बनके नजर आएंगे। मतलब जो भुलैया 2 में इनका रोल था, सेम रोल आपको भूल भुलैया 3 में यानी कि रूह बाबा के रोल में नजर आएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इस मूवी में आपको विद्या बालन भी दिखाई देगी। अब भाई इस बात पे ताली तो बजनी चाहिए, क्यों सही बात लाना, बालन इस रोल में दिवाली के पटाखे बेचते हुए दिखाई देंगे। इस मूवी में सिर्फ एक्टर का किरदार ही आपको सेम नजर नहीं आएगा, बल्कि कुछ गाने भी हैं जो भूल भुलैया 2 से भूल भुलैया 3 तक सफर करके आए हैं, और ये गाना इस मूवी में भी सेम बजेगा। भूल भुलैया 2 2022 में रिलीज हुई थी और इसने 100 करोड़ के ऊपर की बिजनेस किया हुआ था। अब देखते हैं कि ये मूवी कितने करोड़ का बिजनेस करती है। इवन इस टाइम में स्त्री का बोलबाला है, स्त्री ही सब जगह पे दिखाई दे रही है। स्त्री ने आज 500 क्लब के एंट्री कर लिया है। अब देखते हैं ये रिकॉर्ड भूल भुलैया 3 यानी कार्तिक आर्यन तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। इसके पहले भूल भुलैया 2007 में आई थी, जिसको अक्षय कुमार लीड रोल में थे। भूल भुलैया 2 2022 में आई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, क्यारा और तब्बू ये सब का किरदार था। और भूल भुलैया 3 में सेम किरदार आपको नजर आएंगे, और ये मूवी दिवाली 2024 के आसपास रिलीज हो जाएगी। अब देखना यह है कि स्त्री 2 का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है या नहीं। और एक बात, इसके पहले और दूसरे पार्ट के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका सेट तैयार किया गया था, जबकि इसके पार्ट 3 के लिए कोलकाता और पश्चिम बंगाल में सेट तैयार किया गया। अब देखते हैं भाई इस मूवी में क्या जादू हो के आता है, क्योंकि सेट भी ऐसी जगह पे लगाया गया है जिसके बारे में आप खुद ही जानते हो।